सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी विनय शर्मा और मुकेश की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि दोषियों की पूर्व में दायर पुनर्विचार याचिका और क्यूरेटिव याचिका में खास अंतर नहीं है और इस याचिका में कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसका संज्ञान लिया जाए। ये कहते हुए अदालत ने मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। दोषियों के पास अब राष्ट्रपति के पास दया याचिका का विकल्प बचा है, जिसमें फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदलने की अपील की जा सकती है। न्यायमूर्ति एनवी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई शुरू की। इसके लिए उन्होंने 5 मिनट का समय तय किया था। जस्टिस रमणा के चैम्बर में ये सुनवाई पूरी हुई और 5 जजों ने याचिका को खारिज कर दिया। क्यूरेटिव पिटीशन एक कानूनी शब्द है। ये तब दाखिल किया जाता है जब किसी दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन दोषी के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिससे वो अपने लिए निर्धारित की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है या सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में कोर्ट में सुनवाई का अंतिम चरण होता है। इसमें फैसला आने के बाद दोषी किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए जाने के बाद भी दोषी ऐसे मामलों में रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट अपनी ही तरफ से दिए गए न्याय के आदेश को गलत क्रियान्वयन से बचाने के लिए या फिर उसे दुरुस्त करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुनवाई कर सकता है। याचिकाकर्ता को क्यूरेटिव पिटीशन दायर करते समय ये बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। क्यूरेटिव पिटीशन किसी सीनियर वकील की तरफ से सर्टिफाइड होना जरूरी होता है, जिसके बाद इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजों और जिन जजों ने फैसला सुनाया था उनके पास भी भेजा जाना जरूरी होता है। अगर इस बेंच के अधिकतर जज इस बात से सहमति जताते हैं कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा उन्हीं जजों के पास भेज दिया जाता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।